दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी ट्रेन इंडियन रेलवे के लिए सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है, शताब्दी या फिर वंदे भारत? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेन की जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है और वो कोई और नहीं बल्कि बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस है। मैं खालिद अंसारी और आज हम बात करेंगे ट्रेन के सबसे ज्यादा रेवेन्यू के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये ट्रेन अपने अकेले के दम पर करोड़ों की कमाई करती है। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। राजधानी, शताब्दी, डोरांटो, वंदे भारत, ये सब नाम हम सबको पता है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कौन सी ट्रेन देती है? सवाल थोड़ा ट्रिकी है। शताब्दी और वंदे भारत भले ही पॉपुलर ट्रेन है, लेकिन रेवेन्यू का बादशाह कौन है? बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस, जो हजरत निजामुद्दीन से बैंगलोर तक चलती है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में लगभग 5,09,510 पैसेंजर को सफर करवाया और जनरेट किया इतना अमाउंट। आप देख सकते हैं ये अमाउंट कितना होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये फिगर सिर्फ दिमाग का झटका नहीं देती, बल्कि ये बताती है कि ऐसे इंडियन रेलवे का एक बड़ा पार्ट है ये ट्रेन। बेंगलोर से दिल्ली का ये सफर सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि लोगों का भरोसा भी जीत रहा है। राजधानी की स्पीड, कम्फर्ट और टाइमली सर्विस ने इसे एक प्रीमियम ब्रांड बनाया है रेलवे के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि बाकी राजधानी ट्रेन का क्या, तो दूसरे नंबर पे आती है सेल्दा राजधानी एक्सप्रेस। ये ट्रेन कोलकाता से दिल्ली का सफर करती है और इसने 2022 से 23 तक में लगभग 5,09,164 पैसेंजर को अपने डिस्टिनेशन तक पहुंचाया और लगभग इतने करोड़ों की रेवेन्यू की है। कितना अमाउंट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तीसरे नंबर पे है ये दिरुगर राजधानी एक्सप्रेस, जो दिल्ली से दिरुगर का सफर करवाती है। इस ट्रेन ने लगभग 4,74,605 पैसेंजर को सर्विस दी और उसका जो रेवेन्यू निकल के आ रहा है ये, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिसका भी जवाब सही हो तो उसको हमारी तरफ से गिफ्ट मिलने वाला है। दोस्तों बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस में एक ट्रेन नहीं बल्कि इंडियन रेलवे का रेवेन्यू का एक सॉलिड सोर्स है। ये सिर्फ पैसा नहीं कमा रही है बल्कि हर रोज हजारों लोगों के लिए एक रिलायबल और लग्जरी सफर दे रही है। अगर आपने कभी बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस का सफर किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और अगर आपने नहीं किया है तो क्या आप फ्यूचर में इस सफर को एक्सपीरियंस करना चाहोगे, हमें बताना ना भूले। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।